एयर जो है कराची से क्वेटा जा रहा था, तो एक खूबरू हसीना जो है बहुत हसीन लड़की जो है मेरे साथ वाली सीट पे थी। अब मैं उससे इस तरह इम्प्रेस था, मैंने कहा ये मुझसे बात भी नहीं करेगी, ये कोई बेयर ग्रेड है या बहुत ज़्यादा तालीम थी उसकी। तो जैसे फ्लैट चली, अगले 5 मिनट बाद जो है मेरे साथ घुल मिल गई, जैसे हम बरसों से एक दूसरे को जानते हैं। तो हम 1 घंटे का सफ़र था कराची से क्वेटा बाय एयर जो है जी। बहुत अहम बात है हजरत जी, वो तबलीगी जमात वाले कहते हैं हमारे साथ खाना भी खाएं इंशाल्लाह फायदा होगा, नमाज भी पढ़ो फायदा होगा, इंशाल्लाह फायदा होगा। तालिब इल्म जो है ना, ये तालिब इल्म आपकी हौसला अफजाई से आगे बढ़ाए। अगर आपकी हौसला अफजाई नहीं होगी तो तालिब इल्म भी आगे कभी ना बढ़ सकता। और यहाँ टाइम में जो रिस्पेक्ट मिलती है, यहाँ आपकी बीवी रिस्पेक्ट ना करे, आपके बच्चे रिस्पेक्ट ना करें, आपके दोस्त रिस्पेक्ट ना करें, टाइम में जब आए तो उनकी आपकी रिस्पेक्ट करना उनकी मजबूरी बन जाता है। अगले 55 मिनट का सफर जो था वो टस से मस्त थी, उनकी इंग्लिश भी अच्छी थी कि मैं टाइम में हूँ। 1.25 साल पहले मैं PhD किया है, मैंने MA इंग्लिश भी किया है। मैं एक रेस्टोरेंट होटल था कराची में, वहाँ एज ए रिसेप्शनिस्ट की कोई 18 से 25 हज़ार की मैं जॉब कर रही थी। मैंने वो जॉब रिजेक्ट की, मैं तरह तरह वो मुख्तलिफ इदारों में अप्लाई भी किया, लेकिन क्योंकि मैं गरीब घराने से थी, मेरे वालदैन ने सारा कुछ बेच कर जो है मुझे आला तालीम दिलवाई, लेकिन जॉब जो है अब मैं रसीदें तो लेकर फिर रही थी लाखों रुपए की, डिग्रियों की रसीदें, लेकिन मुझे जॉब नहीं मिल रही थी। फिर मुझे किसी ने टाइम्स का बताया, तो आज बाय एयर जो सफ़र कर रही हूँ, मेरी तकरीबन 6 माह पहले शादी भी हुई है, और शादी के बाद जो है मुझे अल्लाह ने गाड़ी भी दी है, घर भी दिया है, और इस दौरान जो है मैंने छोटे भाई की शादी भी की है। ये सारा कुछ जो है मुझे टाइम की वजह से मिला।